हाय एवरीवन। तो चलो डिस्कस कर लेते हैं कल क्या करना है मार्केट में। कल की हमारी गेम प्लान क्या रहेगी, बैंक निफ्टी और निफ्टी। ठीक है, तो पहले डिस्कस कर लेते हैं आज क्या हुआ मार्केट में। ठीक है, कल के अकॉर्डिंग, कल की जो हमारी गेम प्लान थी उसके अकॉर्डिंग मार्केट में आज क्या कर रहा है। ठीक है, तो मैंने ये एक यहाँ पे डिमांड जोन दिया था, है ना, और इसके ऊपर मैंने लॉन्ग सेटअप दिया था। ठीक है, तो मार्केट ने यहाँ से ये 41,200 के ऊपर से मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया था और मार्केट आज 41,660 तक आई थी, है ना। मैंने यहाँ पे फर्स्ट टारगेट दिया था। ठीक है, और मैंने बोला था अगर इसको ब्रेकआउट करता है तो आप इस जोन में कहीं पे बुक कर सकते हो। तो मार्केट ने आज बहुत अच्छी 450 to 500 पॉइंट्स की यहाँ मूवमेंट देखी। ठीक है, मैंने चैनल में भी मॉर्निंग में एक गेम प्लान वीडियो बना के मैंने लाइव स्ट्रीम करके बताया था कि यहाँ पे आप लॉन्ग करना है, इस जोन के ऊपर लॉन्ग करना है। ठीक है, और उसके बाद होल्ड करना है। तो हमने आज यहाँ तक अराउंड बुक किया था, 41,500 तक का बुक किया था। फिर बाद हमने बैंक निफ्टी में छोड़ दिया, उसके बाद हमने निफ्टी में ट्रेड करा था। ठीक है, तो अच्छी रही थी आज की ट्रेडिंग, काफी अच्छी थी। आज बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों में ट्रेड करा था। तो ये कल की लेवल की आज क्रॉस चेक था, है ना। तो ये इस जोन ने बहुत ही अच्छे से परफॉर्म किया, आज मूव किया है। जैसा हमने कल प्लान करा था वैसे ही मूव करा था इस जोन में। ठीक है, अब देख लेते हैं कल हमें क्या करना है। ठीक है, तो चलो सबसे पहला सिनेरियो होगा, अगर मान लो मार्केट गैप अप ओपन होती है। ठीक है, 41,830 के नीचे ओपन होती है, ये एक ऑल टाइम हाई है, अराउंड ऑल टाइम हाई है। तो यहाँ अगर मार्केट गैप अप ओपन होती है और यहाँ से सेलिंग कैंडल बनाती है तो ये एक बिग सप्लाई जोन भी है और मेजर सप्लाई जोन है, करंट सप्लाई जोन। तो यहाँ से आप शॉर्ट कर सकते हो। ठीक है, आपका फर्स्ट टारगेट 41,440 तक का रहेगा, अराउंड 400 पॉइंट। और अगर इस इंटरमीडिएट जोन को ब्रेक डाउन करता है तो आपका सेकंड टारगेट 41,200 तक का रहेगा, ऑल टारगेट शॉर्ट साइड में। ठीक है, अगर मान लो मार्केट यहाँ पे ओपन होती है 40,000 और 41,000 पे अगर मान लो गैप डाउन ओपन होती है इस जोन में, तो सबसे पहले देख लो मार्केट ना अभी अपट्रेंड में है। ठीक है, तो इसका बिलो पॉइंट से अगर आप फिबो रिट्रेसमेंट कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे 61% का रिट्रेसमेंट जोन है ये। ठीक है, और यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट भी है, तो यहाँ आपको सपोर्ट कैंडल देख के यहाँ पे आप लॉन्ग कर सकते हो। ठीक है, पहला टारगेट आपको 41,200 का रहेगा, इसको भी ब्रेकआउट कर देती है तो आप आराम से 41,700 तक का टारगेट देख सकते हो लॉन्ग साइड में। ठीक है, और चलो अगर मान लो मार्केट इसके भी नीचे ओपन होती है, ठीक है, इस ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक डाउन करती है इस जोन को, 40,900 के नीचे अगर ओपन होती है तो आप यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हो। शॉर्ट साइड में आपको 40,500 तक का टारगेट मिल सकता है बैंक निफ्टी में। ठीक है, देखो एक चीज मैं समझाता हूँ, मैं आपको ना हर दिन मैं आपको हर तरीके की सिनेरियो को बताता हूँ। तो देखो ये सारी चीजें ना टेक्निकल से, ठीक है, ऑपरेटर्स इस चार्ट को बनाते हैं। तो हमें मार्केट से फाइट नहीं करना है, हमें ये नहीं सोचना है कि यार यहाँ आएगा यही आएगी मार्केट, मतलब हमें अंदाजा नहीं लगाना है कि मार्केट यही ओपन होगी, है ना। हमें हर सिनेरियो के लिए तैयार रहना होगा। तो मान लो मार्केट यहाँ ओपन होती है या फिर यहाँ ओपन होती है या फिर यहाँ ओपन होती है या फिर यहाँ ओपन, हमें हर तरीके की सिनेरियो के लिए प्रिपेयर रहना है। पहले से हमारे माइंड में प्लान होना चाहिए कि इस जोन में हमें क्या करना है, इस सिनेरियो में हमें क्या करना है। ठीक है, तो ये बैंक निफ्टी भी हमारी गेम प्लान रही। अब निफ्टी का देख लेते हैं, निफ्टी में हमें क्या करना है और निफ्टी में आज क्या हुआ। ठीक है, निफ्टी में मैंने यहाँ पे ये पूरा जोन दिया था। ठीक है, ये यहाँ ये एक पिवट सपोर्ट या फिर ये जोन दिया था यहाँ पे। ठीक है, मैंने कहा था 800 के ऊपर लॉन्ग करना, मैंने मॉर्निंग में चैनल में लॉन्ग कॉल दिया था यहाँ पे लॉन्ग ट्रेड, और मार्केट ने अराउंड 17,800 to 17,915 तक का टारगेट यहाँ पे मूवमेंट दे रहा था, है ना। पहला टारगेट हमने यहाँ पे बुक कर लिया था, फिर इसको ब्रेकआउट किया और इस ब्रेकआउट के टाइम पे बैंक निफ्टी में भी 41,500 का ब्रेकआउट आया था। तो हमने दोनों का कोरिलेशन के बेसिस पे फिर से लॉन्ग करा था और एक ट्रेडिंग बेसिस पे हमने प्रॉफिट बुक करा था। ठीक है,
तो ये निफ्टी और बैंक निफ्टी की हमारी आज की ट्रेडिंग थी, और ये कल मैंने एग्जैक्टली ऐसे ही गेम प्लान भी दिया था आपको, ठीक है। तो निफ्टी में भी हमारा एक्यूरेसी अच्छी रही। तो अब देखना है कल क्या करना है मार्केट में, ठीक है। तो ये सारे सिनेरियो है ना। अभी फॉर करेंट मेजर सप्लाईज होना है 18,100 का जोन जो है ना, अभी मेजर सप्लाईज होना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ना अगर यहाँ पे कोई भी सेलिंग कैंडल बनती है तो आप यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हो, ठीक है। आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा 17,000 का, 100 पॉइंट का फर्स्ट टारगेट रहेगा। अगर इसको ब्रेक डाउन करती है तो आपको फिर से 15 पॉइंट अराउंड 17,920 तक का टारगेट ले सकते हो शॉर्ट साइड, ठीक है। ये पहला गेम पहला सिनेरियो है। अगर मान लो मार्केट यहाँ पे ही ओपन होती है, अगर फ्लैट ये 17,850 के ऊपर ओपन होती है, आप यहाँ पे सपोर्ट कैंडल देख के लॉन्ग कर सकते हो, ठीक है। आपको अराउंड 18,000 तक का टारगेट यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। अराउंड 150 पॉइंट का मूवमेंट ये दे सकता है इस जोन में, है ना। इसका आपका स्टॉप लॉस इस ट्रेंड लाइन के नीचे होगा, ठीक है। अभी नेक्स्ट सिनेरियो देख लेते हैं। अगर मान लो मार्केट इस जोन में ओपन होती है, 17,770 के भी नीचे ओपन होती है, तो यहाँ आप शॉर्ट कर सकते हो सेलिंग कैंडल देख के। अगर मार्केट 17,720 को भी ब्रेक डाउन करती है तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट रहेगा यहाँ पे। यहाँ आप 17,670 तक पे आप शॉर्ट साइड बुक कर सकते हो ऑल टारगेट, ठीक है। ये एक ब्रेकडाउन ट्रेड रहेगा, यहाँ ब्रेकडाउन होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट नेक्स्ट एक और सिनेरियो है, ठीक है। अगर मान लो मार्केट गैप डाउन ओपन होता है इस जोन में अराउंड 17,600, ठीक है। तो यहाँ पे आप ना कोई भी सपोर्ट कैंडल देख के यहाँ लॉन्ग करना, ठीक है। यहाँ पे आपका आप टारगेट वाइज पहला टारगेट 650 पे ले सकते हो, ठीक है। अगर इसको ब्रेकआउट करता है तो ये जोन आपका ऑल टारगेट रहेगा, और अगर इसको ब्रेकआउट कर देता है तो मार्केट यहाँ तक जाएगी फिर, ठीक है। ये अब ट्रेंड को कंटिन्यू कर देगा यहाँ पे। ये एक छोटा सा रिट्रेसमेंट होगा इसका 2 पॉइंट का, फिर ये अप ट्रेंड कंटिन्यू करके 18,100 तक जाएगा। बट आपको इतना वेट नहीं करना है, आप यहाँ पे बुक कर लेना, फिर री एंट्री स्ट्रेटजी पे आप आगे प्रॉफिट री एंट्री कर करके आप बुकिंग कर सकते हो, ठीक है। ये सारी चीजें ना ध्यान से देखो, है ना। अब ध्यान से देखोगे, बार बार रिपीट देखो, थोड़े थोड़ा रिपीट देखो मैं क्या बोल रहा हूँ और कैसे करना है मार्केट में, लाइव मार्केट में कैसे करना है इन सारे लेवल्स के अराउंड। तो ये चीजें ध्यान से देखोगे ना तो समझ आ जाएगी आपको, ठीक है। चलो मिलते हैं, और अगर हेल्प होती है तो ये सब्सक्राइब वगैरह कर लेना, सब्सक्राइब कर लो, लाइक वाइक करो, और अगर कोई भी डाउट रहे तो आप कमेंट में पूछ सकते हो मुझसे, मैं कोशिश करूंगा ज्यादा से ज्यादा रिप्लाई करने की, ठीक है। चलो मैं इस अगर आप कंप्लीटली बिगनर हो, ठीक है, आपको टेक्निकल एनालिसिस नहीं आती है और आप कोर्स वगैरह ढूंढ रहे हो, तो आप ना ये मेरी एक टेलीग्राम बॉट है, TFF प्रीमियम बॉट, आप ये देख लो, ठीक है। आप इस पे ये ओपन करना, सर्च करना है टेलीग्राम पे, ठीक है। आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगी कोर्स गिव अवे, ठीक है। इस ऑप्शन पे जाना, आपको यहाँ पे मैंने एक कोर्स अपलोड करा हुआ है, फ्री है ये, आप इसको डाउनलोड करके आप इसको देख सकते हो, ठीक है। इससे आपको काफी बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे, काफी चीजें सीख जाओगे आप, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना, सप्लाई डिमांड जोन कैसे ड्रॉ करते हैं बेसिक लेवल पे, और सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करते हैं, फिबो रिट्रेसमेंट्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो ये चीजें आप इस कोर्स से सीख सकते हो। तो आप ये कर लो, आपको काफी हेल्प मिलेगी आगे, ठीक है। तो चलो वीडियो खत्म करते हैं। आप अगर वीडियो अच्छी लगी, अगर हेल्प हुई आपकी, तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। बाय।